बैरिया टाउन रावलपिंडी पैराडाइज कमर्शियल फेज 1-3 वाली साइड पे हूँ मैं। पैराडाइज कमर्शियल ये देखा आपने, काफ़ी कब से ये पड़ा हुआ था और इसको किसी ने ख़रीदा है जी, कोई लाहौर की पार्टी है, 23 अरब रुपए में। अब कितने ही कमर्शियल बनेंगे, कितने ही दुकानें लगेंगी, खैर अभी तो इसका काम भी बहुत सारा बाकी है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जा रही हैं जी, पैराडाइज कमर्शियल की साइड पर, बैरिया टाउन फेज 6। ठीक है जी, ये सामने देखे जी, ओपल माल एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स जी, इसका काम साथ जारी से स्टार्ट हुआ है, बेसमेंट स्टार्ट है। ये लेफ्ट साइड पे देखें तो ये स्टार्ट है एलिगेंसी के नाम से, सामने देखें तो वो स्टार्ट है। यहाँ पे मिनी राजा बाजार भी कहते हैं बनेगा, गोल्फ फ्लोरास के नाम से जी एक ये कमर्शियल सामने बनेगा। तो ये इस जगह का कोई इशू चल रहा था, लेकिन अब ये स्टार्ट हो चुके हैं काम जैम बिल्डर्स के। तो 25% डाउन पेमेंट जी है, यहाँ पे आपको कहते हैं सिनेमे मिलेंगे, शॉपिंग मॉल मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं रहा हूँ, ये पैराडाइज कमर्शियल के बैक साइड है जो मैंने आपको दिखाया, 23 अरब रुपये में ये फ़रोख्त हुआ था, लाहौर की पार्टी ने ख़रीदा है, बैरिया टाउन पैराडाइज, 1.5 साल पुरानी बात है, 23 बिलियन रुपीज़ ऑलमोस्ट तो ये फ़रोख्त हुआ था, क्योंकि जो पहले ये स्टार्ट था बैरिया का वो नहीं आगे से कैरी ऑन कर सके। तो यहाँ पर राइट साइड पर भी देखें जी, तो दीवान हाइट्स बनेगा, कितने ज़्यादा यहाँ पर कमर्शियल बनेंगे, ये लेफ्ट साइड पे कितने प्लाजे बन रहे हैं। खैर प्रॉपर्टी का सिलसिला जारी है जी। अब ये सामने से एग्जिट होके हम निकले गए बाहर की तरफ, जीटी रोड रवाद की तरफ ये रास्ता निकलता है। ये बैरिया टाउन का गेट है, एक तो मेन गेट है जी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का, बैक साइड पे पड़े एक ये गेट था, ये निकल आया बाहर जीटी रोड। खामोशियाँ छाई हुई हैं, हाँ अंकल देखे जी, अंकल तो खुद स्ट्रॉबेरी बेचते हैं, लेकिन अंकल ने बुजुर्ग से मांगने वाले की हेल्प की। तो ये है जी, हम आगे जीटी रोड, ये एक मेरी वीडियो थी कमर्शियल्स जो इधर इतने प्रोजेक्ट्स जा रही है, डाउन पेमेंट दें, किस्तों पे दें, आबाद होते होते टाइम लगेगा। खैर बंदा आप क्या कह रहे हैं, ये जीटी रोड पे है, जीटी रोड पे आके ये तो वो एरिया था जी जो वीरान था 18-20 साल पहले। यहाँ आने के लिए ना जी यू पार्क से आगे तो वीरान होता था जी, शीशे बंद कर दो, लॉक कर लो। अब हम जीटी रोड पे जी, अब हमने निकल जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी आबादी, कितने कमर्शियल प्लाजे, कितनी रौनकें हो चुकी है, बहुत आगे तक ये जा चुकी है जी। एक अंदाजे के मुताबिक रवाद से तक, रवाद से आगे तक ये रौनकें जा चुकी हैं, सारे शहर के शहर आबाद हो गए। ये देखिए जी आ गया आपका ये चेज़ वैल्यू, और इसके साथ भी कुछ कमर्शियल बन रहे हैं, फिर इसके साथ ही DHA2 स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से ये देखिए चेज़ वैल्यू के साथ भी यहाँ पे अमेज़ोन, और इसके साथ ये सब DHA2 के कमर्शियल हैं, DHA2 के एंट्रेंस यहाँ से पास ही है। मकसद बात करने का ये है जी के पाकिस्तान की आबादी भी 27-28 करोड़ है, तो अभी भी प्रॉपर्टी जो है बहुत ही महंगी है। हमारे मैक्सिमम 45% से ज़्यादा, सॉरी 65% जो है वो लोग रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। अल्लाह ताला सबको अपना घर नसीब फरमाए। प्रॉपर्टी अभी आपको जहाँ कहीं कहीं पे मिलती है वो ले लीजिए। मैं DHA2 में एंटर हुआ हूँ जी, वहाँ से निकल के। अब ये DHA2 देखें, खूबसूरती देखें, कितना अच्छा खूबसूरत है। यहाँ पे भी घर की रेट बना बनाया घर इस मेन रोड पे आपको एक नाल का मिल जाता है जनाब, कोई 9.5-10 करोड़ से स्टार्ट होते हैं, नया होगा तो 11-12 करोड़ से तक से स्टार्ट होगा। यहाँ प्लाट है, प्लाट यहाँ पे 25% प्लाट सभी अवेलेबल हैं। तो DHA ने की बात ही अलग होती है, अथॉरिटी है ना, मैप भी यही देते हैं, ऑल इन ऑल अथॉरिटी यही है। बैरिया हो गया, बाकी सोसाइटी हो गई, वो तो आपको अलाटमेंट लेटर दे देते हैं, मैप वगैरह RDA CDA अप्रूव करती है। DHA के मैप भी ये खुद ही अप्रूव करते हैं, ऑल इन ऑल सोसाइटी है, जैसे LDA CDA RDA उसी तरह DHA। ये FFBL की बिल्डिंग है जी, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड उसकी बिल्डिंग है, साथ उसके अलाइड बैंक है, और
साइड पे मिनी ओवल क्रिकेट ग्राउंड है, ओवल क्रिकेट ग्राउंड है ये, लेफ्ट साइड पे मस्जिद देखें खूबसूरत आओ, ठीक है जी। और DHA का अपना यहाँ पे क्लिनिक भी है, DHA का मिनी जकरांडा क्लब है, फैमिली क्लब, स्विमिंग स्विमिंग वगैरह और बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए बच्चों के लिए, और सिनेमा भी है सामने। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है तो गीगा माल एक्सटेंशन है, ठीक है जनाब। तो ये है जी आज की मेरी एक वीडियो थी, सोचा आपसे शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आतिफ शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। स्पीडोमीटर लगे हैं जी, मैं रेड आ रहा था, अभी ग्रीन की है, स्लो की है, 50 अलाउ है यहाँ पे। घर बैठे बैठे चलान आ जाता है, ये चलान घर बैठे बैठे आ जाता है, आया मुझे 70 की स्पीड से एक बार यहाँ से गुजरा घर चलान आ गया। ये फैमिली बी पार्क है जी, बहुत अच्छा पार्क है, ये आपको दिखाना मकसद था, ये फैमिली बी पार्क है। एनी टाइम यहाँ पे वीकेंड पे बहुत रश होता है, और आप आज वर्किंग डे पे भी आप रश देख लें, वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के झूले वगैरह, एक्टिविटीज़, कैफ़े और बैठने की जगह, लंच वगैरह करने की जगह, बहुत अच्छा पार्क है ये। अंदर से किसी दिन आपको मैं ये भी विज़िट कराऊँ। इजाज़त दे दीजिए, आतिफ से आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा।